के बाद से कितना चेंजेस हुए, क्या किसी ने कभी ध्यान दिया है? और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्कारलॉर्ड यहाँ पे जितनी भी चीजें कर रहे हैं क्या वो सही है? समझ में आ रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर स्कारलॉर्ड हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में नहीं आता तो हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का क्या होता, एंड आज देखेंगे कि फ्री फायर कम्युनिटी में स्कारलॉर्ड ने हमारे लिए क्या क्या किया है, एंड हम लोग लास्ट में ये भी जानेंगे कि स्कारलॉर्ड ये सब जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। तो भाई लोग ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और हट की वीडियोस लाते रहते हैं, एंड इफ पॉसिबल इंस्टा पे फॉलो कर लेना, यहां पे मैंने आप लोगों को हैंडल दिखा दिया, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एंड ऑल्सो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो जितने बंदे भी देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक मार दो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्कारलॉर्ड ने हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के लिए क्या किया, मतलब हम लोगों के लिए क्या कह रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आती है वो टूर्नामेंट। टूर्नामेंट पहले कोई खेला नहीं जाता, टूर्नामेंट के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था, बट यहाँ पर टूर्नामेंट का क्रेज जो लाया है वो सारा क्रेडिट जाता है स्कारलॉर्ड को, क्योंकि जब तक स्कारलॉर्ड ने वन टैप हेडशॉट को एक्सपोज नहीं किया था तब तक सारे बंदे वन टैप हेडशॉट ही मारना चाह रहे थे, एंड सब लोग उसी की प्रैक्टिस करते रहे, एंड इसी बीच में वो लोग टूर्नामेंट्स को बिल्कुल भी भूल गए थे। तो यहाँ पर जो सारा क्रेडिट जाता है टूर्नामेंट्स का इतना बड़ा क्रेज लाने के लिए इंडिया में, वो सारा का सारा क्रेडिट मैं स्कारलॉर्ड को देना चाहूंगा। आई नो यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन में यहाँ पे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो स्कारलॉर्ड को, क्योंकि अगर स्कारलॉर्ड नहीं होता तो यहाँ पे सारे बंदे अभी तक वन टैप हेडशॉट ही करते रह जाते हैं, एंड जब तक स्कारलॉर्ड ने वन टैप हेडशॉट एक्सपोज नहीं किया तब तक उसके पहले सब लोग ओनली एंड ओनली वन टैप हेडशॉट की प्रैक्टिस करते थे, कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं खेलता रहा, बट अब टूर्नामेंट का क्रेडिट इतना ज्यादा हो गया कि हर बंदे को टूर्नामेंट खेल रहा है, बट ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि अब बंदे को टूर्नामेंट खेलने के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे सारा क्रेडिट जाता है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को ई-स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए, वो सारा क्रेडिट जाता है स्कारलॉर्ड को। अगर स्कारलॉर्ड वन टैप हेडशॉट को एक्सपोज नहीं करता तो आज तक सब बंदे वन टैप हेडशॉट ही सीखते रहते हैं, ई-स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। एंड अब जो सेकंड चीज जो स्कारलॉर्ड ने हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के लिए की है, या यहाँ पे पार्टनर में कुछ ऐसे बंदे हैं जो लोग आप लोग खुला आम काटते हैं, मतलब आप लोग खड़े खड़े चूतिया बना देते हैं, इन सबको भी स्कारलॉर्ड ने ही एक्सपोज किया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा सैंपल देना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ बंदे जो कि फेक आलू की गिवअवेस करते हैं, जो कि एक बंदा होता है जो पूरी स्ट्रीम देख लेता है बट लोगों को आलू नहीं मिलता, उसकी भी रियलिटी सामने स्कारलॉर्ड ने बनाई थी कि एक स्कैम होता है। अगर आप लोगों को याद होगा आज से कुछ 7 या 8 महीने पहले हमारे गेम में बहुत ज्यादा हैकर्स होते थे, बहुत ज्यादा मतलब हर गेम में हम लोगों को नॉर्मली हैकर देखने मिल जा रहे थे, हैकर का भी फिनिश आउट स्कारलॉर्ड के ही थ्रू हुआ था, बट ये कहना गलत होगा कि सारा क्रेडिट हम लोग स्कारलॉर्ड को। यहाँ पे जीएसके का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था, बट जीएसके उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाया क्योंकि जीएसके को सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर दबा दिया, बट यहाँ पे अगर बात करें स्कारलॉर्ड की तो स्कारलॉर्ड के यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसको दबा सके। यहाँ पे कितना भी बड़ा मिलियन वाला हो, यहाँ पे आप लोग 17 मिलियन वाले यूट्यूबर की बात करो या फिर आप 10 मिलियन वाले यूट्यूबर की बात करो, आप किसकी बात, स्कारलॉर्ड का कोई दबा नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि स्कारलॉर्ड किसी भी बंदे को एक्सपोज करता है फिर कुछ भी करता है तो वो विद प्रूफ करता है, विद वैलिड प्रूफ करता है, एंड जो सामने वाले बंदे को जो एक्सपोज कर रहा है उसके पास कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं होते कि उस स्कारलॉर्ड के प्रूफ को डिफेंड कर सके। तो अगर मैं आप लोगों का नॉर्मल से एग्जांपल लूं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है अंकुश वर्सेस स्कारलॉर्ड। स्कारलॉर्ड ने अंकुश को एक्सपोज किया था, उस पर एलिगेशन लगाए थे, एलिगेशन ट्रू थे, इसलिए अंकुश ने स्कारलॉर्ड को एक वर्ड भी रिप्लाई नहीं किया। अगर आप लोगों को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके जान गए होंगे। अभी भी स्कारलॉर्ड ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के लिए क्या है, रिसेंटली अभी वो कर रहा है कि लीक्स एंड अपडेट्स वाले चैनल को बंद करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो सच में गुलाम पूरा काटे थे। और मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि AWM के रूलर भी हटने वाला नहीं है, वो बस एक एडवांस रूल में, एडवांस रूल में बहुत सारी चीजें कन्फर्म भी होती है, बहुत सारी चीजें कन्फर्म नहीं होती। तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को सब चीजें बताई थी, अगर आप लोग मुझे थोड़ा फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा मैं किस वीडियो के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड एट लास्ट अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे हो स्कारलॉर्ड सही है गलत, तो भाई आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कुछ भी, मुझे पता है यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि स्कारलॉर्ड सही करता है या गलत, क्योंकि आप ऐसे फ्री फायर कम्युनिटी स्कारलॉर्ड का एक्सपोज करते उससे फेक एलिगेशन लगाते हैं, लाइक उस पे एलिगेशन लगाया कि वो पहले हैक यूज करता था। स्कारलॉर्ड ने खुद माना है कि वो पहले हैक यूज करता था, वो पहले हैकर था, उसने हैक यूज किया था बट वो फन के लिए था, ना कि वो हैक को प्रमोट करता था। और नो डाउट स्कारलॉर्ड ने खुद वहाँ पे अपोलोजाइज किया कि हाँ मैं वो फन के लिए यूज करता था, अब से वो नहीं करेगा क्योंकि पास्ट की बात थी, पास्ट में तो बंदा बहुत सारी गलत चीजें कर भी लेता है, बट डिपेंड ये करता है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर को किस तरीके से एंजॉय करते हो। एंड जो नेक्स्ट एलिगेशन स्काई के ऊपर ये है कि स्काई खुद का गेम प्ले यूज नहीं करता, बैकग्राउंड में जो गेम प्ले यूज करता है उसका खुद का नहीं होता है, बंदे उसको फेक बोलने लगते हैं। तो भाई सबसे पहले बता दूं वो एक बैकग्राउंड गेम प्ले है, बैकग्राउंड गेम प्ले का मतलब सबसे पहले आप समझो, देन उसके बाद अगर आपको किसी को एलिगेशन लगाने हैं तब जाके एलिगेशन लगाना, ओके भाई लोग। एंड बैकग्राउंड गेम प्ले मैं भी कभी कभी दूसरों का यूज करता हूँ क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड गेम प्ले होता नहीं है बनाने के लिए, एंड इतना टाइम नहीं होता है गेम प्ले किसी भी रिकॉर्ड करने के लिए कि मतलब दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं कई बार बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का बैकग्राउंड गेम प्ले यूज कर लेता। लाइक अभी मैंने कुछ समय पहले वाइट ट्रिपल फोर और कॉलोनियल को एक्सपोज किया, तो वहाँ पे बंदे लोग वहाँ पे वो बोल रहे थे कि भाई तू खुद तो कॉलोनियल का गेम प्ले यूज करता था, बट भाई वो बैकग्राउंड गेम प्ले था, समझ रहे हो? बैकग्राउंड गेम प्ले का मतलब भी अगर आप लोगों को नहीं पता ना तो यार मैं आगे कुछ बोलूंगा ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप समझो कि बैकग्राउंड गेम प्ले का मतलब होता क्या है। समझ में आ रहा है?
एंड अगर आप लोगों ने वाला वीडियो देखा होगा कोलोनियल, और जब मैंने व्हाइट टेबल को एक्सपोज किया है, मैंने वहाँ पे क्लियरली आप लोगों को बताया कि वहाँ पे एम बॉट यूज कर रहे हैं, बट बंदे लोग मुझे ही यार डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बंदे लोग मुझे कमेंट में ये बोल रहे हैं कि शायद वो फुटस्टेप्स की आवाज़ होगी, फिर ये होगी वो होगी। बंदे लोग बोलते भाई तू जलता है उनसे, तो उनकी तरह गेम प्ले नहीं कर पा रहा इससे जलता है। भाई वो सब इंडिया के ही बंदे जो मेरे को सब बोल रहे हैं, और वहाँ पे क्लियरली पता है कि कॉलोनी और व्हाइट ट्रिपल फोर यहाँ के बंदे नहीं है। और मैं उस वीडियो में गला फाड़ पड़ के पीछे लाया कि इंडिया के प्लेयर को सपोर्ट करो, बट बंदे लोग मुझे ही कुछ सुना रहे हैं। और वहाँ पे डिसलाइक्स भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देखना मेरे उस वीडियो पे समथिंग 1K+ डिसलाइक्स आप लोग देख सकते हो, बट इतना डिसलाइक्स मेरे को वीडियो पे नहीं आता है। अब लोग समझ रहे हो यहाँ पे इतने सारे ऑडियंस मतलब मेच्योर है ही नहीं, तो वो मेच्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्काईलॉर्ड आया है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ, तो उससे आप लोग समझ जाओ कि स्काई ने हमारे लिए एक्चुअली किया क्या, क्या क्या किया है स्काई ने हमारे लिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पार्टनर रॉयल में कुछ बंदे होते रहे, पार्टनर रॉयल में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बट मैं किसी का एक्चुअली नाम नहीं लूंगा। तो सब बंदे क्लिक बेट करते थे, लीक्स एंड अपडेट्स वाले बहुत गंदा क्लिक बेट करते थे। किसी के पास 100 डायमंड भी नहीं है, बट आपको 1 लाख डायमंड दिखा रहा है, इसे बोलते हैं फेक क्लिक बेट्स। एंड इतना ही नहीं, आपके गेम में हैकर तक नहीं आया है, बट फिर वो लोग उनके गेम प्ले में थंबनेल में हैकर चिपका देते कि मेरे गेम में हैकर है या राइस्टर हैकर, ये हैकर वो हैकर। तो अभी करीना ने सिंपली ये कर दिया है, जो कि पार्टनर में किसी को आना है तो उनका चैनल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कोई फेक क्लिक बेट्स ना होना चाहिए, नो फेक क्लिक बेट्स, गिव अवेज फालतू के फेक गिव अवेज नहीं होने चाहिए। एंड एक और चीज के बिना फालतू के हैकर वर्ड का यूज ना किया जाए। अगर ये सब करते हैं बने तो उनको पार्टनर रॉम में लिया नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो लोग पहले से पार्टनर रॉम में तो उनको पार्टनर रॉम से किक कर दिया जाएगा। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया ओनली एंड ओनली स्काईलॉर्ड की वजह से। हम सबको क्रेडिट स्काईलॉर्ड को ही देना चाहिए, नो डाउट। यहाँ पे सारा का सारा क्रेडिट ऑडियंस को जाता है, बट ऑडियंस को गाइड करने वाला स्काईलॉर्ड तो यहाँ पे सिंपली क्रेडिट ऑडियंस को भी दे रहा हूँ, और उसी के साथ साथ हमको क्रेडिट स्काईलॉर्ड को तक देना चाहिए। अब स्काईलॉर्ड ने बहुत सारी चीजें की हमारे कम्युनिटी के लिए, एंड आगे जाके बहुत सारी चीजें करने वाला है। अब तो स्काईलॉर्ड के सब्सक्राइबर मिलियंस में भी जाने वाला है, तो अब आप लोग समझ सकते हो कि मेरे फ्री फायर कम्युनिटी कितनी ज्यादा क्लीन होने वाली है। सबसे बेस्ट यहाँ पर बताना भाई लोग, टूर्नामेंट्स ई स्पोर्ट्स लेवल इंडिया में कुछ नहीं था, बट यार अभी इतना ग्रो हो चुका है, आप लोग समझ सकते हो। अगर कुछ बंदे को लगता है कि स्काईलॉर्ड अभी भी गलत कर रहा है, तो भाई मैं बता रहा हूँ वो बंदा कुछ गलत रास्ते में था, एंड स्काईलॉर्ड ने उसकी बजा दी, इसलिए वो उसको हेट करता है, नॉर्मल सी बात है। बस भाई लोग आज की इस वीडियो में इतना। अगर आप लोग आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो भाई।